राधे कृष्ण दोस्तों, कैसे हैं आप सब? जवाब में राधे कृष्ण कमेंट में जरूर लिखें। एक बार फिर से स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल स्पिरिचुअल सोर्स में। आज हम बात करेंगे भगवान शनि के प्रकोप से कैसे बचाता है दशरथ कृत शनि स्त्रोत। यह स्त्रोत को पढ़ने से किस प्रकार लाभ की प्राप्ति होती है, इस स्त्रोत को कैसे पढ़ना चाहिए जिससे हमें इसका संपूर्ण लाभ हो, और संपूर्ण पूजा विधि क्या है, दशरथ जी ने किस प्रकार से भगवान शनि को प्रसन्न करते हुए इस स्त्रोत की रचना की थी, जानकारी आज इस वीडियो में मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ। तो जुड़े रहिए इन संपूर्ण जानकारियों को जानने के लिए वीडियो के अंत तक। आइए भगवान शनि को नमन करते हुए वीडियो को शुरू करते हैं। ओम शनिश्चराय नमः। भगवान शनिदेव को न्याय का देवता कहा जाता है। शनिदेव सब लोगों को उनके कर्मों के अनुसार फल देते हैं। कहा जाता है कि अगर किसी मनुष्य पर शनिदेव की कृपा हो जाए तो उसके जीवन में मानो ऐसा होता है कि उसकी किस्मत चमक जाती है, लेकिन अगर किसी का उल्टा हो जाए कि शनिदेव का प्रकोप हो तो उसका जीवन बर्बाद होने में देरी नहीं लगती। मान्यता है कि जब किसी व्यक्ति पर शनि की साढ़े साती ढैया और अन्य महादशा चल रही होती है तो उसे शारीरिक, मानसिक और आर्थिक तीनों तरह से प्रताड़ना सहनी पड़ती है। अगर आप शनिदेव के प्रकोप से बचना चाहते हैं तो उन्हें प्रसन्न करने के लिए हर शनिवार को दशरथ कृत शनि स्त्रोत का पाठ अवश्य करें। ऐसा करने से माना जाता है कि शनि की साढ़े साती ढैया आदि किसी भी तरह की शनि संबंधी पीड़ा से भगवान शनिदेव मुक्ति देते हैं। आइए जानते हैं शनि स्रोत का महत्व और पूजा विधि। माना जाता है कि शनि स्रोत के रचयिता राजा दशरथ हैं। उन्होंने ही इस स्तुति से शनिदेव को प्रसन्न किया था। अब शनिदेव ने प्रसन्न होकर उनसे वर मांगने को कहा था। इसके बाद राजा दशरथ ने शनिदेव से विनती की कि वे देवता, असुर, मनुष्य, पशु पक्षी किसी को भी पीड़ा ना दिया करें। की बात सुनकर शनिदेव बेहद प्रसन्न हुए और कहा कि आज के बाद जो भी इस दशरथ कृत शनि स्त्रोत का पाठ करेगा उसे शनि के प्रकोप से मुक्ति मिल जाएगी। आइए जानते हैं दशरथ जी ने किस प्रकार से शनि स्त्रोत का निर्माण किया। प्राचीन काल की बात है, जब ज्योतिषियों ने गणना की तो पाया कि शनिश्चर कृतिका के अंत में जा चुके हैं। अतः उन्होंने महाराज दशरथ को सूचित किया, राजन इस समय शनि रोहिणी का भेदन करके आगे बढ़ेंगे। यह एक उग्र शाटक नामक योग है, जो सभी के लिए भयंकर है। इससे भयानक दुर्भिक्ष फैलेगा। यह सुनकर राजा दशरथ ने मंत्री परिषद की बैठक की। उन्होंने महर्षि वशिष्ठ से पूछा, इस संकट को रोकने के लिए क्या उपाय किया जाए। वशिष्ठ जी बोले, राजन यह रोहिणी प्रजापति ब्रह्मा जी का नक्षत्र है। इसका भेद हो जाने पर प्रजा कैसे रह सकती है। ब्रह्मा और इंद्र आदि के लिए भी यह योग असाध्य है। वशिष्ठ जी की बात सुनकर दशरथ असमंजस की स्थिति में पहुंच गए। अतः अंत में उन्होंने मन में साहस किया और दिव्य धनुष लेकर रथ में सवार हो वे अत्यंत वेग से नक्षत्र मंडल में पहुंच गए। रोहिणी पृष्ठ सूर्य से 1,25,000 योजन ऊपर है। वहां पहुंचकर दशरथ जी ने धनुष को खींचा और उस पर संहारास्त्र का संधान कर दिया। वह अस्त्र अति भयंकर था। उसे देखकर शनि भयभीत हो गए और उन्होंने हंसते हुए महाराज दशरथ से कहा, राजन आपका महान पुरुषार्थ शत्रु को भय पहुंचाने वाला है। मेरी दृष्टि में आकर देवता, असुर, मनुष्य सबके सब भस्म हो जाते हैं, लेकिन आप बच गए। अतः राजन आपके तेज, पौरुष और वीरता से मैं प्रसन्न हूँ। आप वर मांगिए, आप जो कुछ मांगेंगे मैं अवश्य दूंगा। अब दशरथ जी ने कहा, शनिदेव जब तक नदियाँ और समुद्र है तब तक सूर्य और चंद्रमा सहित पृथ्वी स्थित है, तक आप रोहिणी का भेदन करके आगे न बढ़ें और साथ ही कभी दुर्भिक्ष न करें। शनि ने वरदान देते हुए कहा, एव मस्तु। वर पाकर महाराज दशरथ बड़े ही प्रसन्न हुए। अत्यधिक प्रसन्नता के कारण उनके शरीर में रोमांच हो गया। उन्होंने रथ के ऊपर ही धनुष डाल दिया और रथ से नीचे उतर कर वे शनिदेव की स्तुति करने लगे।
महाराज दशरथ की स्तुति करने पर सनी ने कहा, हे राजेंद्र, आपकी स्तुति से मैं प्रसन्न हूँ, आप वर मांगिए, मैं अवश्य दूंगा। दशरथ जी ने हाथ जोड़कर कहा, हे सूर्य नंदन, आज से आप किसी भी प्राणी को पीड़ा ना दें। सनी बोले, राजन, मृत्यु स्थान, जन्म स्थान या चतुर्थ स्थान में मैं रहूं तो मैं उसे मृत्यु का कष्ट दे सकता हूँ, लेकिन जो श्रद्धा से युक्त, पवित्र और एकाग्रचित होकर मेरी लौहमयी प्रतिमा का समीपत्रों से पूजन करके मिश्रित उड़द, भात, लोहा, काली गौ, काला वृष ब्राह्मण को दान करता है, तो विशेषतः मेरे दिन में मेरे स्रोत से पूजा करता है, पूजन के पश्चात भी हाथ जोड़कर मेरे स्रोत का जाप करता है, उसे मैं कभी भी पीड़ा नहीं दूंगा। गोचर में, जन्म लग्न में, दशाओं में तथा अंतर दशाओं में ग्रह पीड़ा का निवारण करके मैं सदा उसकी रक्षा करूँगा। इसी विधान से सारा संसार मेरी पीड़ा से मुक्त हो सकता है। इस प्रकार भगवान शनिदेव ने स्वयं राजा दशरथ को वरदान दिया। उसके बाद से ही हर शनिवार को शनि स्त्रोत का पाठ किया जाता है, जो दशरथ जी के द्वारा रचित है। स्त्रोत का पाठ करने से भगवान शनिदेव अत्यंत प्रसन्न होकर आशीर्वाद देते हैं और शनि की ढैया साढ़े साथी और उनकी पीड़ाओं का शमन होता है। आइए जानते हैं कब और कैसे करें शनि स्त्रोत का पाठ। हर शनिवार को सुबह जल्दी उठकर स्नान करके या शाम को इसका पाठ किया जा सकता है। इस दिन शनिदेव के मंदिर में उनके समक्ष सरसों का तेल का दीपक जलाएं, इसके बाद उन्हें सच्चे दिल से नमन करके दशरथ जी के द्वारा कृत शनि स्त्रोत का पाठ करें और अपने ऊपर आए संकटों से मुक्ति की प्रार्थना करें। पूजा के बाद शनिदेव के मंदिर में जाकर तिल का तेल या सरसों का तेल में काले तिल डालकर चढ़ाएं और अपनी इच्छा के अनुसार जरूरतमंदों को सामर्थ्य के अनुसार दान दक्षिणा दें। इस प्रकार भगवान शनिदेव की पूजा शनिवार को अवश्य करें और दशरथ कृत शनि स्त्रोत का पाठ भी अवश्य करें। दोस्तों, कैसी लगी आपको ये वीडियो हमें कमेंट में जरूर बताएं। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक जरूर कीजिएगा और सभी के साथ इसे ज्यादा से ज्यादा शेयर जरूर करें ताकि सभी को इसका लाभ प्राप्त हो सके। ऐसी ही रोचक और लाभकारी जानकारियों के लिए आप अपने इस YouTube चैनल स्पिरिचुअल सोर्स के साथ अवश्य जुड़े रहें, अपना प्यार और सपोर्ट हमें देते रहें। दोस्तों, अगर आपको हमारे वीडियोस पसंद आते हैं तो सब्सक्राइब करके स्पिरिचुअल सोर्स चैनल के साथ अवश्य जुड़े, नोटिफिकेशन ऑन कर लें। ये भी हमारी कोई भी नई वीडियो तो आपको इसका नोटिफिकेशन जरूर मिल जाएगा। वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। आज के वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में एक नई और रोचक जानकारी के साथ। ओम सं शनिश्चराय नमः। ओम सं शनिश्चराय नमः।